आपको विजिट कराएंगे सालक स्टार फूड फैक्ट्री। यहाँ पर कौन कौन से आइटम तैयार किए जाते हैं और यहाँ पर आकर वो इन मशीनरी के अंदर तैयार करते हैं। इससे आगे आगे खुद यहाँ पर पीसी जाती है और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं थैले के अंदर, ये इदारा फैक्ट्री रजिस्टर्ड है या नहीं, तो ये आप देख सकते हैं। गली के अंदर, अर्जा के अंदर, यहाँ से अगर जनूबी बाग की बात की जाए, सालिया नड़ियोल और चित्रा टोपी तक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका मेज़बान सकले मुश्ताक आपकी खिदमत में हाज़िर है नए एपिसोड के साथ। आज मैं आपको विज़िट कराऊंगा, इस वक्त मैं कादराबाद के मुकाम पर मौजूद हूं और आज मैं आपको विज़िट कराऊंगा सालक स्टार फूड फैक्ट्री, और इसके ऑनर है मोहम्मद सालिक खान साहब। ये दुबई अबूजबी में मुकीम है इस वक्त और उन्होंने ये एक अच्छा इकदाम शुरू किया है कि यहाँ पर एक सनद को प्रोवाइड किया है, लगाया है, और आज हम इस फैक्ट्री का आपको विजिट कराएंगे। कौन कौन से आइटम तैयार किए जाते हैं और कहां कहां तक इसकी सेल की जाती है, तो चलते हैं अपने सालक स्टार फूड फैक्ट्री। ये बिल्कुल बाग को जो रोड जाती है, गली रोड है, यहां से बिल्कुल नीचे और यहां से चलते हैं हम अंदर। ये इसका सेटअप है, सालक फूड स्टार फैक्ट्री, और यहाँ पर इसके जो यहाँ पर इसको सिस्टम को चला रहे हैं सरदार साबर मुगल, सरदार राशिद मुगल, और इन्होंने जो आइटम्स लिखे हुए हम उसकी रहनमई भी करते हैं। अंदर चलते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो आपको चीज़ें दिखाऊं, ये इनकी पूरी मशीनरी है। वहाँ पर ये हर चीज़ साबर लाते हैं और इन मशीनरी और ये चक्की लगी हुई है इस तरफ, ये देख सकते हैं, इस तरफ भी पूरी इनकी मशीनरी है। यहाँ पर जो साबर चीज़ें आती हैं और यहाँ पर आकर वो इन मशीनरी के अंदर तैयार करते हैं। इससे आगे अगर इस जगह को बता दूं तो ये इनका पैकिंग सिस्टम, और इस तरफ ये आप देख भी सकते हैं, ये कुछ इस तरह से है। ठीक, अब आगे हम आपको दिखाएं यहाँ पर जो आइटम ये तैयार करते हैं, तो सबसे पहले इस तरफ से शुरू करें तो एल्बो मैक्रोनी, इस तरफ सालन मसाला, बिरयानी मसाला, इस तरफ आप देख सकते हैं खीर मिक्स, खीर मिक्स इस तरफ भी मैक्रोनी का आइटम है, और यहाँ से इस तरफ चलें, ये इधर पैकिंग का सामान है, और इस तरफ अचारी मैक्रोनी है, और ये पूरा इनका स्टॉक लगा हुआ है, और ये इनकी मर्ची पीसी हुई है, साबत मर्ची के बाद जो जो पीसते हैं यहाँ पर खुद आकर खुद यहाँ पर पीसी जाती है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं थैले के अंदर, इसको कहते हैं ये हल्दी है, साबत हल्दी है, और इसके बाद इसकी पिसाई की जाती है, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी पैकिंग की हुई है। और साथ यहाँ पर आपको ये स्टॉक जो नज़र आ रहा है, ये नमक का स्टॉक है, और ये हल्दी का पैकेट है आप देख सकते हैं, और ये पैकेट से पहले साबत के बाद इसकी पिसाई की जाती है, ये आप देख लें। और ये जो यहाँ पर इस वक्त स्टॉक लगा हुआ है, नमक का स्टॉक है, ये आपको दिखा भी दूँ, ऐसे ये नमक का स्टॉक है, और इसके बाद इसकी पैकिंग भी यहाँ की जाती है, ये आपको दिखा दूँ। और अपने नाज़रीन को वेलकम बैक करता हूँ, इससे आगे चलें, ये इनका यहाँ पर दफ्तर है, सेटअप पूरा यहाँ पर, पूरा इनका कंप्यूटराइज सिस्टम है, और साथ कैमरे वगैरह भी लगे हुए हैं, बहुत अच्छा सिस्टम। मजीद नाज़रीन को वेलकम बैक करता हूँ। एक चीज़ जो यहाँ पर सबसे अहम चीज़ है, अपने कस्टमर जहाँ से भी आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, तो कस्टमर के लिए सबसे पहले वो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि क्या ये इदारा फैक्ट्री रजिस्टर्ड है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर इनकी फैक्ट्री है, कैमरे की जीनत है और रजिस्टर है इनकी फैक्ट्री, और ये काम बड़े अच्छे अंदाज से, बल्कि कानून के दायरे के अंदर रहकर काम कर रहे हैं और अपने लोगों को बड़ा अच्छा फ़ायदा दे रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सालक फूड स्टार फैक्ट्री के दफ्तर में, और मज़ीद हम आपको डिटेल में इस तरह से बताएंगे कि इसकी जो फैक्ट्री की जो चीज़ें हैं कहां कहां तक फरोख्त की जाती हैं। हमारी तफसीलात के मुताबिक पूरे ज़िला बाग के अंदर, अगर यहां से पीछे चले जाएं डोली नाड़छड़ी खां रायकोट तक, इन एशिया को, इन एशिया की सेल की जाती है। इससे आगे बाग शहर के अंदर, उससे आगे सुदन गली के अंदर, अर्जा के अंदर, यहाँ से अगर जनूबी बाग की बात की जाए, सालिया नड़ियोल और चित्रा टोपी तक, इन एशिया को फरोख्त किया जाता है। और अगर कस्टमर की बात की जाए तो कस्टमर का इनकी एशिया के ऊपर आए रोज़
एतमाद भी बढ़ रहा है, इजाफा भी हो रहा है। तो ये यहाँ की मकामी सनत है। पूरे कश्मीर के अंदर अगर बात करें तो इस वक्त कोई भी सनत है वो ना होने के बराबर है। लेकिन अगर हमारे मुल्क के कोई नौजवान ऐसा स्टेप लेते हैं तो उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनको खुशामद भी कहना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई के साथ साथ उनके साथ साथ उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। और मोहम्मद सालेह खान साहब के साथ इनका तलक गाँव दड़े मंजड़ी से है और ये अच्छा काम कर रहे हैं और ये खाद सिर्फ कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। और इनके जो सेलर हैं सरदार राशिद मुगल और सरदार अली, ये दोनों सेल करते हैं और बड़ी अच्छी तादाद में, यानी कि खुद अपनी गाड़ी के जरिए जहाँ जहाँ तक इनकी अशिया जाती हैं खुद जाकर ये सेल आउट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ आपका मेज़बान सकले मुश्ताक इजाज़त चाहता है। थैंक यू, वस्सलाम, फी अमान।